हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल हायर एजुकेशन और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं बिजनेस एप्टीट्यूड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अब बीबीए एंट्रेंस एग्जाम किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये रहती है कि भाई हमने तो क्लास 12 तक बिजनेस एप्टीट्यूड बिजनेस ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो हम इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आज आप लोगों को बिजनेस एप्टीट्यूड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने और साइड बाय साइड में आप लोगों को इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी शो करूंगा ऑन माय स्क्रीन। तो सबसे पहले हम बिजनेस एप्टीट्यूड को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप लोगों को परेशान कर सकती है। बिजनेस एप्टीट्यूड इज समथिंग कि जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, आपकी क्षमता कितनी है उसके लिए सोचने के लिए ये सारी चीजें चेक करी जाती है। अब इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं, एक होता है बिजनेस कम्युनिकेशन और एक होता है बिजनेस अवेयरनेस। फाइन, ये दो टॉपिक हैं जो आप लोगों को इस सेक्शन के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। अब बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन की जितनी भी चेन है आप लोगों को पढ़ना जरूरी है, वर्बल, नॉन वर्बल, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्ट्रेट वर्ड, अपवर्ड कम्युनिकेशन, और ये सारी जो टॉपिक्स है छोटे छोटे आपको कम्युनिकेशन के कवर करने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोनोपोली क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है। देखो, मैं पूरा बिजनेस एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा सकता इसके अंदर, बट टू बी वेरी फ्रैंक मैं आप लोगों को ये समझा दूंगा कि भाई बिजनेस एप्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर जितनी भी आपके बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर करी जाती है। सेकेंडली, आपके पास ऑप्शन है बिजनेस अवेयरनेस का। अब बिजनेस अवेयरनेस क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा सीन नहीं होता, इसमें आपके पास बस चॉइसेस होती है कि आपके आसपास में किस बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी का सीईओ क्या है, किस कंपनी का टैगलाइन क्या है, किस कंपनी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करा, बेसिकली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर बिजनेसेस इन द इंडिया। और इसके अंदर नेशनल लेवल पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं होते। तो अवेयरनेस इज समथिंग डिफरेंट एंड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। ये हो गया आप लोगों का स्टैटिक, जो कि चेंज नहीं हो सकता, इसमें फंडामेंटल्स होते हैं, इसमें थ्योरी होती है। अवेयरनेस क्या होता है, इट कैन बी करंट अफेयर फॉर्म, इट कैन बी इन योर जनरल नॉलेज टाइप फॉर्म, बस यही डिफरेंट होता है बिजनेस कम्युनिकेशन और अवेयरनेस के अंदर। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, जितने भी बीबीए के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जहाँ पे बिजनेस अवेयरनेस का सेक्शन दिया हुआ है, एप्टीट्यूड का सेक्शन दिया है, वहाँ पे तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, जहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं दी होती, जैसे कि मैं बात करूँ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार सेक्शन देते हैं एप्टीट्यूड की फॉर्म के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछ लेंगे, जनरल अवेयरनेस पूछ लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स, ये चार सेक्शन पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वो बिजनेस के अंदर जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें मोस्टली क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे टू दी बिजनेस, यही डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे अगर जर्नलिज्म का एग्जाम हो रहा होता तो जर्नलिज्म की फील्ड से पूछे जाते, बीसीए का एग्जाम हो रहा था तो कंप्यूटर की फील्ड से उसका जनरल अवेयरनेस बन के आ रहा होता। दूसरा, मैं बात करूँ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की या फिर आईपी यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आईपी यूनिवर्सिटी में एक स्पेसिफिक सेक्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस का, एप्टीट्यूड भी बोल सकते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जनरल अवेयरनेस के अंदर मोस्टली इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है तो इसमें भी इंक्लूड लेकिन जनरल अवेयरनेस के साथ ही इसको मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो ये जो चार सेक्शन है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बिजनेस एप्टीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकता है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू स्टडी। और अवेयरनेस की फॉर्म में आप इकोनॉमिक्स, साइंस जैसे न्यूज़पेपर्स, जिनके अंदर इंडस्ट्रियल न्यूज ज्यादा आती है, वो आप रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन की, जिसमें हमारा कंप्लीट कोर्स है लाइव क्लासेस के साथ, जिसमें बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहे हैं। सो आप उसके लिए डेमो क्लासेस वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज बिजनेस एप्टीट्यूड एंड इसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। और इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा, बट वी हैव टू
टू बी वेरी स्पेसिफिक कि कौन कौन से टॉपिक इसमें से पूछे जा रहे हैं, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में तभी आएगी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो जल्दी से अब अपने स्क्रीन पर देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिखाने जा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कम्युनिकेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मल इनफॉर्मल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपके पास, व्हाट इज बफर इन कम्युनिकेशन। और मैं आप लोगों को अगर एक एप्टीट्यूड की झलक दिखाऊं, ठीक है, एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड के तौर पे आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी इज अ पंच लाइन ऑफ आर टैली, देन सेंस एंड सिंप्लिसिटी इज अ टैगलाइन ऑफ विच कंपनी। सो इस तरीके से आपसे इस चीज के भी क्वेश्चन आंसर्स पहले पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मार्केट इज द इंडस्ट्री ऑफ डोमिनेटेड बाय फ्यू फॉर्म्स, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलॉजी, ओलिपोलॉजी और परफेक्ट कंपटीशन। तो इस टाइप से कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। देखेंगे ग्लांजा इज द कार मॉडल ऑफ इंट्रोड्यूस्ड बाय हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, मित्सुबिशी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर जो होते हैं ना, ये सारे बिजनेस अवेयरनेस के अंदर आ जाते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ 26 वीक पैटर्निटी लीव फॉर इट्स एम्प्लॉयज, फूड पांडा, यूबर ईट्स, स्विगी, जोमैटो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बिजनेस अवेयरनेस में बन के आते हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ना। अगर किसी सब्जेक्ट सेक्शन में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी भी सेक्शन को लाइटली नहीं लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग अ कंसल्टेंट इन अ कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन अमाउंट टू सिन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इमोरलिटी, लॉयलिटी। तो ये सारे बिजनेस अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।